जिन लोगों की आय कम होने के कारण सरकार द्वारा 35 किलो अनाज हर महीने देने का प्रावधान किया गया है। गुजरात के सूरत के सुभाष नगर विस्तार में मैं हूँ। इस वक्त 15 से 20 लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उन लोगों को राशन कम मिल रहा था। कितना साल से आप राशन लेते हो? राशन तो अभी लॉकडाउन के पहले से ही चालू हुआ है। बहुत दिन हो गए, शीतल पर जब मिलता था पहले खुद शुरू से, तब से हम लेता हूँ। 4-5 साल हो गए। आपके गांव में कितने नाम है? 7 है। 7 नाम है। कितना राशन मिल रहा है आपको? राशन मिलता है 21 किलो गेहूँ और 9 किलो चावल, 15 किलो गेहूँ, 5 किलो चोखा। पर वो मेरे को 6 नाम है, 15 किलो गेहूँ देता है और फिर 3 किलो चावल। इस पे 5 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है, 50 रुपए लेते हैं हम लोग। 25 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल मिलते हैं। तो आपको पता है आपका कितना राशन मिलना चाहिए? एक 5-3-5 है, 5 किलो शायद। मेरे को मालूम ही नहीं था, जितना देते उतना मैं लेके आ जाती हूँ। अच्छा, तो आप कभी बोले नहीं है कि हमारे आदमी इतने हैं इतना कम क्यों दे रहे, ऐसा बोला कभी? बोलने पर बोलते हैं कि सरकार जितना देता है, हुकुम आया है उतना हम देता हूँ। अच्छा, तो सामने अपने को बोले ना लोग कि तुमको मिलता है इतना, फिर भी तुम ऐसा करते? उन लोगों से मैंने बातचीत की जिनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए रेशन कार्ड की दुकान वाले से भी बात की। उसने बताया कि इनके आधार कार्ड के नंबर गलत होने के कारण और कुछ आधार कार्ड जमा नहीं होने के कारण उन्हें राशन कम मिल रहा है। तो मैंने उनके आधार कार्ड जमा करवाए और उनको राशन कार्ड के दुकान वाले से बातचीत कर करके राशन उनको अगले महीने से पूरा मिले, ऐसी बातचीत की और उन्हें पूरा दिया गया है। तो ममता बहन आई थी, वो हमको पूछी थी कितना अनाज मिलता है कितना नहीं, तो भाई हमें तुम कम क्यों देते अनाज? तो बोला भाई इतना ही देते थे हम। तो मैं बोली नहीं भाई, ना हमारे यहाँ तो कोई आई थी मैडम, हमको ही बोल के गई है कि भाई इतना अनाज तुमको मिलना चाहिए, तो फिर अब हमारे को 30 किलो दिया है। अभी राशन बराबर मिलता है और हम लोग 10 साल से लाते थे तो पहले कम देता था, तो अभी नीम स्टोर भी लेके गए तो अभी अनाज बढ़ाया। अभी बोलता है कि एक आधार कार्ड की जरूरत लेके आना लड़के की, फिर मैं तुमको एडजस्ट करा दूंगा। मेरे को भी थोड़ा थोड़ा अनाज सबको एडजस्ट करना पड़ता है। सुखी देता मैं दुकान वाला કીધું કે પેલા બેન આવ્યા હતા તો બધું સમજાઈ ગયા, તો અનાજ પૂરતું આપતા નથી તમે એ મહિનામાં હું બોલી ને ઘઉં જોઈ, પછી હું કહેવા લાગે કે માસી એમ જ આવે ઘઉં, બધા એમ જ આવે, અમને કે ઉપરથી એમ જ મોકલે કે પછી અમે એમ જ વાટવાના। हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और उनकी समस्याओं का समाधान हो। सूरत से मुमताज पठान, इंडिया, मनहर।